Hello, dear learners! Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the another daily MCQ dose, in which I will discuss the Molarian mimicry. Yesterday, I have uploaded one video dealing with the Batesian mimicry, and in today's video, we will deal the Molarian mimicry along with its question. So, do watch it out and like, share, and subscribe for more such videos.

वो क्या करेंगे वो सिमिलर दिखेंगे अपने मॉडल जैसा सो दैट रिडेटर क्या करे किसी एक स्पेशीज को भी देखे तो वो क्या हो वो उसे अवॉइड करे क्योंकि वो हार्मफुल है फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्पीशीज़ है ए एक स्पीशीज़ है बी एक स्पीशीज़ है सी अब किसी एक पर्सन ने अगर ए स्पेशीज़ को देखा है और किसी एक पर्सन ने बी स्पीशीज़ को देखा है तो अगर ये मुलेरियन मिमिक्री में है तो दे ऑल लुक सिमिलर यानी इन तीनों का ही अपियरेंस कैसा होगा सिमिलर होगा तो कोई भी पर्सन अगर ए को भी देखा है बी और सी को नहीं देखा है तो क्या होगा उसे बी भी देखने पर लगेगा कि अरे वो ए जैसा दिख रहा है यानी जो उसने पहले देखा होगा मैं मुलेरियन मिमिक्री को थोड़ा सा और इजी में समझाती हूँ सपोज ही कोई तीन स्पीशीज़ है ए बी और सी ये तीनों ही स्पीशीज़ मोलेरियन मिमिक्री शो कर रहे हैं मोलेरियन मिमिक्री शो कर रहे हैं मतलब ये तीनों का ही जो अपियरेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा सपोज़ किसी एक पर्सन ने ए स्पीशीज़ को देखा और थोड़े टाइम बाद जब वो बी और सी को देखेगा बी को देखे या फिर सी को देखे तो उसे क्या याद आएगा कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ टाइम पहले एक ऐसे ही वही स्पीशीज़ देखा था यानी वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा कि उसने कोई और स्पीशीज़ देखा है वो क्या सोचेगा जो मैंने पहले स्पीशीज देखा था वही स्पीशीज़ है तो मोलेरियन मिमिक्री का यही प्रॉपर्टी है कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो सेम दिखते हैं सो दैट दे कैन बी अवॉर्डेड बाई प्रिडेटर इवन इफ वन स्पीशीज इज नोटिस्ड यानी कि अगर प्रिडेटर ने सिर्फ जो मोलेरियन मिमिक्री में कुछ स्पीशीज़ सिमिलर हैं उनमें से अगर किसी एक को भी देखा है तो वो अगर उसके कुछ दिन बाद उनकी उनके ही ग्रुप के किसी और स्पेशीज़ को देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि ये वो ही वाला स्पेशीज़ है और वो उससे क्या करेगा हार्म नहीं करेगा क्योंकि वो सोचेगा कि वो हार्मफुल है मोलेरियन मिमिक्री में स्पीशीज़ किस पे जोर देते हैं दे रेनफोर्सिंग द बेसिक डिस्टेस्टफुल डिज़ाइन यानी कि स्पीशीज़ को देखते ही क्या लगे कि ये सब के सब सारे ग्रुप वाले क्या है डिस्टेस्टफुल है इट मीन्स कि वो पॉइजनस है अनपैलेटेबल है अब जो मोलेरियन मिमिक्री है उसमें क्या होगा मैंने अभी जस्ट बताया था कि दोनों ही स्पीशीज यानी कि बोथ मिमिक एंड मॉडल आर पॉइजनस जितने भी ऑर्गेनिजम्स अंडरगो होते हैं मोलेरियन मिमिक्री में वो क्या होते हैं पॉइजनस होते हैं किसी न किसी वे पे वो पॉइजन सिक्रीट करते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स या कोई केमिकल सिक्रिएट करेंगे जैसे कोई टॉक्सिन सिक्रिएट करें तो मोलेर मिमिक्री में कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि जो मिमिक और मॉडल होते हैं बोथ मिमिक एंड मॉडल स्पीशीज हैव सेकेंडरी डिफेंसिस यानी कि उनमें किसी ना किसी टाइप का सेकेंडरी डिफेंस होता है इधर पोई थॉन्स होंगे स्पाइनस होंगे कुछ केमिकल कुछ टॉक्सिन सिक्रिएट करेंगे जिससे क्या हो प्रेटर्स खाते ही उनमें वो पॉइजन स्प्रेड आउट हो जाए और उन वो किल हो जाए तो मोलेरियन ममिकी में में का इतना सा पॉइंट एक याद रखना है कि हमेशा दो अनपैलेटेबल स्पीशीज ही रहेंगे और वो क्या करेंगे वो रिजेंबल करेंगे एक दूसरे के जैसे दिखेंगे और एक वार्निंग साइन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डार्क कलर्स कलर्स के फॉर्म में क्या करते हैं एक डेंजर साइन देते हैं कि मान लो कि एक कोई भी बटरफ्लाई अभी हम इसमें देखेंगे अभी एग्जाम्पल कि वो बटरफ्लाई का जो कलर होगा उससे मिलते जुलते जो भी स्पीशीज़ है सेम कलर होगा तो किसी एक बटरफ्लाई को भी कोई स्पॉट करेगा तो वो क्या लगेगा कि अरे ये पॉइजनस है उसके कितने भी स्पीशीज हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सारे के सारे पॉइजनस हैं तो ये होता है मोलेरियन मेमिक्री सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मुलेरियन मेमिक्री का जैसे कि ये क्वीन बटरफ्लाई ये मोनार्क बटरफ्लाई और ये वाइस बटरफ्लाई ये तीनों का ही अपियरेंस कैसा दिख, दिख रहा है हमें सिमिलर दिख रहा है दे ऑल आर क्वाइट सिमिलर अगर मैं क्वीन बी को भी स्पॉट कर रही हूँ किसी भी जगह में और अगले दिन मैं वाइसरॉय बटरफ्लाई को स्पॉट कर रही हूँ तो मैं रिकोगनाइज़ नहीं कर पाऊंगी कि ये क्वीन नहीं है या वाइसरॉय नहीं है क्वीन है वाइज वर्सा यानी कि किसी एक स्पीशीज़ को भी हम देखेंगे और नेक्स्ट डे कोई और बटरफ्लाई को देखेंगे बट हमारे माइंड में क्या रहेगा कि वो उसी दिन वाला स्पीशीज़ है जो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया इट मीन्स कि इतने सिमिलर दिखते हैं कि वो एज अ नॉर्मल पर्सन हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि वो कौन सा स्पीशीज़ है और ये तीनों ही बर्ड्स के लिए क्या होते हैं टॉक्सिक होते हैं क्योंकि ये क्या सिक्रियट करते हैं ये पॉइजन सिक्रियट करते हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये जो बटरफ्लाइज का ये हमेशा ही पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है बहुत ही अच्छा जो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्च पेपर से लिया है मैंने ये बुक्स में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं इसका भी एग्जाम्पल दे सकता है क्योंकि मुलेरन मेमिक्री जो है या बेडसिन मिमिक्री है कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के फॉर्म में भी पूछता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ फ्रॉम मलेरियन मिमिक्री या फिर नहीं है पूछ सकता है तो आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स थोड़े याद रखने होंगे ये एक न्यू फ्रॉग का एग्जाम्पल है ये एक न्यू फ्रॉग का एग्जाम्पल है जो कि एंडेमिक है कहाँ पे ये पेरू का एंडेमिक स्पीशीज है और ये क्या होता है इसको क्या नाम देते हैं मिमिक पॉइजनस फ्रॉग ये बहुत ही पॉइजनस होता है और पर्टिकुलरली कहाँ मिलता है पेरू में मिलता है अब यहाँ पे आप चार स्पीशीज़ देख सकते हैं वन टू थ्री और फोर अब जो अपर लेफ्ट में है ये वाला ये कैसा पैटर्न दिख रहा है आपको ये बैंडेड दिख रहा है यानी कि बैंड्स बने हुए हैं इसमें और ये वाला जो है राइट हैंड टॉप में ये कैसा है ये है स्ट्राइक यानी कि इसमें दिख रहा है ऐसे स्ट्रिप्स बनी हुई हैं स्ट्राइप्स बनी हुई है सॉरी तो ये वाला सेकेंड वाला है अब जो थर्ड वाला है स्पॉटेड ये लेफ्ट हैंड ये लोअर में तो ये कैसे इस पर छोटे छोटे ऐसे स्पॉट्स बने हुए हैं और जो ये आखिरी वाला है ये कैसा है ये है वाराडेरो। यानी कि इसमें रेंडम पैटर्न्स बने हुए हैं तो ये जो चारों हैं वो क्या शो कर रहे हैं वो भी मुलेरियन मिमिक्री ही शो कर रहे हैं अब अभी रिसेंट पेपर्स में ये पूछा है कि नहीं पूछा आई एम नॉट श्योर क्योंकि मुझे कहीं दिखा नहीं है हालांकि मैंने सी एस आई आर के पेपर्स ही देखे अभी तो आपको ये वाला नाम याद रखना है रानी टोमेया तो ये जो फ्रॉग हैं ये एंडेमिक है पेरू के अब इनके में क्या होता है ये चार अलग अलग आपको वो दिख रहे हैं स्पीशीज़ अब इसमें आप लोग ये सोचेंगे कि यार ये तो सिर्फ कलर्स दिख रहे हैं इनका मॉडल कहाँ है तो इनका मॉडल जो है ये जो चारों स्पीशीज़ दिख रहे हैं ये फर्स्ट ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ ये सब किससे रिजेम्बल करते हैं फर्स्ट वाला जो है वो एक जो रानी टोमे का ही स्पीशीज़ है समरेसी फिर सेकंड वाला किससे रिजेम्बल करेगा वेरिएबिलिस से और थर्ड वाला भी एक और स्पीशीज़ है यानी कि ये जो दोनों ये वाला सेकेंड और थर्ड दोनों ही वेरिएबिलिस से और ये जो फोर्थ वाला ऑरेंज वाला है वो आर फेंटास्टिका से यानी कि रानी टोमिया के ही कितने स्पीशीज़ हो गए थ्री स्पीशीज़ हो गए यानी कि फर्स्ट वाला किससे रिजेम्बल करेगा समरेसी से और जो सेकेंड और थर्ड वाले हैं वो वेरिएबलिस से और ये वाला जो है ये ऑरेंज वाला वो किससे रिजम्बल करे है? रानी टोमिया फैंटेस्टिका से यानी कि मॉडल कौन हो गए ये जो ब्लू कलर से मैंने नेम मेंशन किया है वो मॉडल हैं और ये जो चार यहाँ पे दिख रहे हैं वो कौन हो गए ये सारे ये मिमिक हो गए, यानी कि ये क्या शो कर रहे हैं ये मोलेर मिमिक्री शो कर रहे हैं ये इनके मॉडल्स हैं रेस्पेक्टिवली अब इससे क्या होता है ये पॉइजनस है यानी कि अगर मान लो कोई प्रिडेटर इसको देख रहा है रानी टोमिया को तो उसको देखेगा और फिर थोड़ी देर बाद अगर इसको देखेगा वेरिएबिल्स को जो कि है ये वाला और ये वाला तो वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा कि उसने मॉडल देखा है कि मिमिक देखा है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बस आपको इसमें ये याद रखना है रानी टोमिया इसके चार स्पीशीज हैं और ये हंड्रेड परसेंट मोलरियन मिमिक्री में इसका एग्जाम्पल आता है जो थर्ड और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है डिसटेस्टफुल न्योट्रॉपिकल बटरफ्लाई आपको ये याद रखना है इससे पहले हमने न्योट्रॉपिकल फ्रॉग्स के बारे में देखा था ठीक वैसे ही डिस्टेस्टफुल न्यूट्रॉपिकल बटरफ्लाई अनपैलेटेबल बटरफ्लाई फ्रॉम दिस स्पीशीज़ हेलिकोनीस ये जो स्पीशीज़ है यानी कि जीनस जो हैलिकोनियस जीनस है उसके ही अलग अलग स्पीशीज़ यानी जो टॉप मोस्ट में ये दिख रहा है ये जो बटरफ्लाई दिख रही है वो कौन सी स्पीशीज़ है हेलिकोनियस की ये रेडो स्पीशीज़ है और नीचे वाला जो है वो क्या है मेल्पो तो ये जो नीचे वाली है मेल्पो वो भी हेलिकोनियस की स्पीशीज़ है अब जो टॉप मोस्ट में है और नीचे में है लोअर मोस्ट में वो दोनों ही अलग अलग स्पीशीज़ है बट दे क्वाइट लुक सिमिलर यानी कि अगर मैं इसको भी देखूँगी या इसको भी देखूँगी तो मैं स्पीशीज़ का पता नहीं लगा पाऊँगी ये क्योंकि हेलिकोनियस के ही हैं तो ये कैसे दिख रहे हैं सब के सब सेम दिख रहे हैं ये वाले डायग्राम में भी और ये सब डिस्टेंटली रिलेटेड होते हैं यानी कि बहुत दूर दूर जगह में इसलिए मैंने ये एक जियोग्राफिकल लोकेशन वाला लगाया था कि यहाँ पे हेलिकोनियज़ के अलग अलग स्पीशीज़ या स्पॉट हो रहे हैं अलग अलग जोग्राफ़िकल लोकेशन पे तो जिससे क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंटली रिलेटेड हैं मतलब दूर दूर जगह में ये लोग बसे हुए हैं लेकिन फिर भी क्या हो रहा है इन लोग एक कॉमन कलरेशन पैटर्न शेयर कर रहे हैं ताकि ये अपने प्रिडेटर से बच पाए सपोज़ कि कोई एक प्रिडेटर यहाँ पर देख रहा है इस वाले स्पीशीज़ को और कुछ टाइम बाद अगर वो यहाँ पर दूसरा स्पीशीज़ देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि वो यही वाली स्पीशीज़ है यही वाली और वो उसको फिर हार्म नहीं करेगा तो यही होता है मोलेरियन मिमिक्री इसका एडवांटेज ही होता है कि वो ग्रुप में फायदा मतलब पूरे ग्रुप को ही प्रोटेक्ट करता है प्रेडिटर से किसी एक स्पीशीज को भी स्पॉट किया प्रिडिटर ने तो क्या हो गए पूरे के पूरे जो मेम्बर्स हैं उस स्पीशीज में जो अंडर मोलेरियन मिमिक्री है वो सब के सब प्रोटेक्ट होंगे तो ये वाला एग्जाम्पल भी याद रखना है हेलिकोनियस न्यूट्रॉपिकल हेलिकोनियस बटरफ्लाइज दे ऑल आर इन मोलेरियन मिमिक्री नेक्स्ट एक इम्पॉटेंट एग्जाम्पल है मोलेरियन मिमिक्री इन द नॉर्थ अमेरिकन मिलीपीड्स एफिलोरिन मिलीपीड्स में भी क्या होता है मोलेरियन मिमिक्री शो होता है ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये सब कैसे दिख रहे हैं सबके सब एक जैसे दिख रहे हैं सिमिलर दिख रहे हैं यानी किसी एक को भी देखो और दूसरे दिन दूसरे को देखो तो पता नहीं चलेगा कि हमने आउट ऑफ दिस दिक्कस स्पीशीज किसे देखा है तो ये मिलीपीड का भी जो एग्जाम्पल है वो किस में आता है मोलेरियन मिमिक्री में आता है नाव एक मेजर क्वेश्चन आता है जैसे कि हम बेट्स मिमिक्री में जानते हैं कि एक मिमिक होता है और एक मॉडल होता है तो हमको पता है कि मॉडल कौन है exactly एग्जैक्टली हम बता पाते हैं मिमिक कौन है हम वो भी बता पाते हैं जो मिमिक होता है वो कैसा होता है वो पैलेटेबल होता है यानी कि वो एडिबल होता है नॉन पॉइजनस होता है लेकिन जो उसका मॉडल होता है वो कैसा होता है अनपैलेटेबल होता है पॉइजनस होता है तो बेडसेन मिमिक्री में तो हम अच्छे से बता पाते हैं कि मिमिक कौन है मॉडल कौन है बट इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू आंसर हु इज द मिमिक एंड हु इज द मॉडल इन मोलेरियन मिमिक्री यानी हाउ डू वी नो विच वन इज द मॉडल एंड विच वन इज द मिमिक इन पर्टिकुलरली मोलेरियन मिमिक्री मोलेरियन मिमिक्री में ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मिमिक कौन है मॉडल कौन है क्यों ऐसा है क्योंकि दे बोथ लुक सो सिमिलर दोनों का ही जो बॉडी का कलरेशन पैटर्न है अपीरेंस है वो इतना सिमिलर होता है कि ऑब्जर्वेशन करने पर भी पता नहीं चल पाता प्रिडेटर को भी कि मिमिक कौन है मॉडल कौन है सो so, इस पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है बहुत सारे थ्योरीज हैं साइंटिस्ट लोग अभी भी इसका कुछ कुछ डिस्कवरी कर ही रहे हैं लेकिन कुछ कॉमन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो मॉडल है मॉडर्न और मेमिक का कैसे पता लगा जाए मॉडर्न में कुछ फीचर्स होने चाहिए जिससे कि पता चले कि वो मॉडर्न है फॉर एग्जाम्पल पहला फीचर क्या बोला है उन लोगों ने कि बहुत ज़्यादा अनपैलेटेबल होना चाहिए यानी कि बहुत ही नॉक्शियस होना चाहिए नॉन एडिबल होना चाहिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होना चाहिए नेक्स्ट क्या होना चाहिए बहुत ही कॉमन होना चाहिए यानी कि इजीली स्पॉट हो जाए वो कहीं पे भी अर्लियर हो यानी कि सीजनल स्पीशीज़ जब होते हैं तो सबसे पहले उसका अक्यूरेंस मॉडल का हो मॉडल स्पीशीज़ का लार्जर हो साइज़ में मोर कन्स्पीशियस मोर ग्रिगेरियस शुड हैव अ वाइडर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सिर्फ एक ही जगह पे ना हो अलग अलग लोकेशंस पे वो अवेलेबल होना चाहिए लेस फ़ज़ी कलर पैटर्न्स बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए मोर एनशियट कलर पैटर्न्स पुराने स्पीशीज से जो मतलब जैसा स्पीशीज़ ए है तो इनके जो एनसेस्टर्स हैं उनके जैसा ही कलर नियर अबाउट होना चाहिए बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं होना चाहिए लेस पॉलीमोर्फिज़म बहुत ज़्यादा एक ही स्पीशीज में मतलब किसी एक जीनस के अलग अलग स्पीशीज में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं दिखना चाहिए सब सिमिलर दिखना चाहिए लेस ओवरऑल डाइवर्जेंस फ्रॉम एन एन्सेस्ट्रल कलर पैटर्न देन दियर मिमिक्स ये वाले एग्जांपल में अभी दिखा रही थी ये वाले नाइन्थ पॉइंट में मोर एंशेंट कलर पैटर्न्स यानी ये अपने अनसेस्टर्स से क्लोजली रिजेंबल होना चाहिए ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन आ गया तो वो पूरा ही अपने अनसेस्टर से अलग दिख रहा है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो साइंटिस्ट ने एक कॉमन कंक्लूड की है कि ये मॉडल में होनी चाहिए तो उसी स्पीशीज को हम मॉडल कहेंगे क्योंकि मुलेरियन मिमिक्री में इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु इज द मिमिक एंड हु इज द मॉडल लेट्स क्विकली रिवाइज आज हमने क्या पढ़ा आज के वीडियो में सो बेसिकली वी हैव लर्न मुलेरियन मिमिक्री That is based on the warning coloration in group of species, यानी कि mimic और जो mimic होता है और model होता है, वो क्या होते हैं? वो white similar दिखते हैं, coloration patterns उनके body का होता है, वो similar दिखता है। It means they reinforce the basic distasteful design among themselves. यानी कि किसी एक species को भी spot करे और next day कोई दूसरे स्पीशीज़ को स्पॉट करे तो हम रिकग्नाइज ही ना कर पाए प्रिडिक्टर रिकग्नाइज ना कर पाए कि कौन सा स्पीशीज़ है और इस तरह से क्या करते हैं वो पूरे के पूरे अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं इसका बेटर एग्जाम्पल क्या होता है हमेशा जो पूछा जाता है बटरफ्लाइज हैविंग द सेम बेसिक वार्निंग कलरेशन इन विच क्वीन मोनार्क एंड वाइस रॉय बटरफ्लाई आर प्रिडोमिनेंट इनका कलरेशन पैटर्न इनका जो अपीयरेंस है वो इतना सिमिलर होता है कि प्रिडेटर जो होता है वो उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाता है सो दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम दी अटैक बाई दिडिटर्स लेट सॉल्व सम क्वेश्चन सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेसिक क्वेश्चन इज मुलेन मिमिक्रीज फाउंड वेन मोलेरियन मिमिक्री कब होता है अप्रेज स्पीशीज हैज केमाउफ्रेज टू मैच टू इट्स बैकग्राउंड नहीं केमाउफ्रेज नहीं करता है वो अप्रे स्पीशीज इज एबल टू चेंज इट्स केमाउफ्रेज टू मैच इट्स बैकग्राउंड ये भी नहीं ये भी केमाउफ्रेज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है शेयर अ कलरेशन विद अदर स्पीशीज इंडिकेटिंग दे आर ऑल डिसटेस्टफुल एंड पॉइजनस येस दिस इज करेक्ट यानी मोलेरियन मिमिक्री हम इसी को ही बोलते हैं कि एक कॉमन कलरेशन पैटर्न शेयर हो किसके किसके बीच में जितने भी स्पेशीज हैं यानी दोनों ही स्पेशीज डिसटेस्टफुल यानी मिमिक भी डिस्टेस्टफुल पॉइजनस हो और मॉडल भी तो ये सही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट फॉर मोलेरियन मिमिक्री सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मिमिक एंड मॉडल बोथ गेट बेनिफिटेड येस दिस इज़ ट्रू अगर प्रिडेटर ने मॉडल को भी देखा है तो मेमिक बच जाएगा मेमिक को भी देखा है तो मॉडल विल बी प्रिजर्व्ड तो ए तो सही है इनकरेक्ट नहीं है बी क्या है मेमिक एंड मॉडल दो नॉट गेट बेनिफिटेड ये तो उसका कंट्रोडिक्ट्री स्टेटमेंट है यही इनकरेक्ट है इनकरेक्ट है मतलब हमारा आंसर क्या है बी है नेक्स्ट दो पढ़ लेते हैं टू और मोर अनपलिटेबल स्पीशीज अ शो रिजेंबलेंस ये भी सही है लेकिन क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट पूछा है ये ध्यान रखना है लास्ट ऑप्शन है अटेस्टफुल स्पिशीज रिजेंबल और डिस्टेस्टफुल स्पीशीज ये तो बिट में मिमिक्री होता है जिसमें एक अनपैलेटेबल होता है एक पैलेटेबल होता है यानी कि हमारा आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका दो ऑप्शन दो करेक्ट है बी भी सही है डी भी सही है और इसका क्या था सी था तो बी और डी दोनों ही सही है क्योंकि मिमिक कैन मॉडल डो नॉट गेट बेनिफिटेड यू तो गलत है मोलेरियन मिमिक्री का ही खासियत है कि मॉडल को भी अगर देख ले प्रोडेटेड तो मिमिक बच जाता है मिमिक को भी देख ले तो मॉडल बच जाता है ग्रुप को ही फायदा होता है और डी क्या है बेडसेन मिमिक्री है इसीलिए डी और बी इसका करेक्ट आंसर है नाउ द लास्ट वन इज मोलेरियन मिमिक्री इज वेन एन एनिमल हाइड्स इन साइड द स्ट्रक्चर दैट लुक्स समथिंग इनएडिबल सच एज बॉल पिट ये तो गलत है पूरा a number of animals not related to each and all armed with some defense look like each other यह है इसका करेक्ट आंसर a number of animals not related to each other distantly related होते हैं अभी जस्ट हमने देखा heliconia है, species और जो अलग-अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे है distantly related है लेकिन वो क्या होते हैं They look like each other। और मैंने ये भी बताया कि कुछ ना कुछ फर्स्ट स्लाइड में कि कोई ना कोई डिफेंस पावर होता है आइदर कोई थॉर्न हो कोई स्पाइन हो या फिर टॉक्जिन सिक्रीट करे केमिकल फॉर्म में नेक्स्ट है एन एनिमल हैज़ इट्स बॉडी मॉडिफाइड टू लुक लाइक अ नॉन एडिबल आइटम सच एज अ थॉर्न नहीं ये भी नहीं है डी है नंबर ऑफ एनिमल्स सम पॉइजनस एंड अदर सेफ टू ईट ऑल लुक लाइक नहीं ये भी गलत है क्योंकि इसमें क्यों गलत है ये भी पता होना चाहिए गलत है तो ये नहीं कि कुछ भी करके गलत है क्यों गलत है सम पॉइजनस एंड अदर सेफ टू ईट ये मैंने बताया था मुलेरियन मिमिक्री का याद रखना है कि दोनों ही स्पीशीज अनपैलेटेबल होते हैं नेक्स्ट है नन ऑफ दिस चॉइसेस ये तो गलत है क्योंकि हमारा एक तो सही है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बी